हमारे पैसे के लिए ना कुछ भी कर देंगे ये आज आप सबको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि इन टीवी डिबेट्स में आपको न्यूज मिलती है या मनोरंजन मिलता है। आशुतोष बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है। आज तक तो हमने मीडिया को लोगों के बारे में बुरा भला बोलते डिबेट में सुना होगा। इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती, वो खुश है कि संतों को जहाँ पे उनकी सरकार है रिपोर्ट भेजेगी, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मीडिया अपने डिबेट्स के जरिए नफरत फैला रहा है आजकल, और सवाल भी विपक्ष से ही करता है, सरकार से नहीं, और सरकार की आलोचना तक नहीं करता। यही कारण रहे हैं कि मीडिया को डिबेट में नेता बुरा भला भी बोल देते हैं। सवा मिनट बोली है, इसलिए आप ना डिसाइड करें कि कौन किसको एकल कर। रागिनी जी निवेदन को स्वीकार करें। अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार। ना आज के बाद मत बोलिएगा, पिट्ठू होंगे आप और आपके साथ के होंगे कई पिट्ठू। अमीश देवगन को पिट्ठू बोलने की जरूरत मत करना। पर अब हमारे देश की जनता भी मेन स्ट्रीम मीडिया को अच्छी तरह से समझ चुकी है। अब जब रिपोर्टर सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ता है। हाल ही में यूपी में जो घटना हुई उसको लेकर पूरे देश में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट जारी हैं। जब जी न्यूज के पत्रकार इसे कवर करने दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट में पहुंचे तो उसे जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। ये देखिए जी न्यूज है, दंगे भड़काने का काम करने का काम दुनिया में नंबर वन चैनल। हिंदू मुसलमान का दंगा करवाना हो इस चैनल में संपर्क करो। इस चैनल को पूरे देश ने बर्बाद कर रखा है। मोदी सरकार के बड़ू है, मोदी सरकार के सारे पैसे के लिए ना कुछ भी कर देंगे ये। ये हिंदुस्तान अंग्रेजों ने देश को लूटा था। मीडिया टिकाऊ चैनल है, बड़ा प्राइम और इससे बड़ा नीच चैनल नहीं है पूरे दुनिया में। पूरे हिंदुस्तान का भाईचारा बिगाड़ के रख दिया इन लोगों ने, पूरे देश का भाईचारा बिगाड़ दिया इन लोगों ने, पूरे देश में आग लगा रखी है। असली हथियार में नहीं बोलेंगे, असली में देश के दुश्मन ये लोग हैं। पाकिस्तान में ये लोग हैं देश के दुश्मन। देश में देश थोड़े थोड़े पैसे में बढ़वा के लिए करना चाहिए, झूठी चैनल फांसी देनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए। ऐसी नौबत क्यों बनी कि अब जनता ही मीडिया के विरोध में आ गई? देखिए, मीडिया ही एक जरिया है जिस पर हमें पूरे देश में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। पर जब न्यूज चैनल खुद ही नफरत फैलाने लगे तो कोरोना के शुरुआती दौर में जब तबलीगी जमात का नाम सामने आने लगा तो मीडिया ने इस मुद्दे में एक समुदाय को टारगेट किया। कैसे कुछ लोगों ने लॉकडाउन से जो हासिल हुआ था उस पर पानी फेरने की पूरी कोशिश की है। दिल्ली के बीचों बीच हजारों लोगों की भीड़ जुटाई जाती है, नियम कानून और सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और फिर इस तबलीगी जमात का एक बड़ा नाम मौलाना साद फरार हो जाता है। हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। दिल्ली में वो इलाका निजामुद्दीन है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। जहां अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, जब आप निजामुद्दीन से होकर गुजरेंगे तो आपको कैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। धर्म की दुकान चलाते चलाते मुस्लिम संगठन मुस्लिम तबलीगी जमात देश का गुनहगार बन गई। और अब हाल ही में सुशांत केस, इसे मीडिया ने काफी लंबा खींचा। इसमें हमने क्या देखने को मिला? सिर्फ टीआरपी की रेस। रिपब्लिक चैनल तो सुशांत केस पर न्यूज बनाते बनाते नंबर वन तक पहुंच गया और बाकी चैनलों का मजाक उड़ाने लगा। हमने अर्नब को तक चैनल का मजाक उड़ाते कई बार देखा है। बाकी चैनल टीआरपी की रेस में मुद्दों को तो भूल ही गए। टीआरपी को लेकर चल रही लड़ाई के बारे में जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी ने कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अगर अपने चैनल पर नजर डालें तो वे भी यही सब करते दिखाई दे रही हैं। क्या खबरों और मनोरंजन का मिश्रण अब न्यूज चैनल्स पर दिखाया जा रहा है? न्यूज चैनलों पर इन दिनों जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उस पर पूरे देश में बहस चल रही है। हमें भी कई लोगों ने लिखा कि इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि न्यूज चैनल अपना आत्मविश्लेषण कभी नहीं करेंगे, इसलिए लोगों को लगता है कि अब इसके लिए और कौन सा मंच होगा। इंडिया में टीआरपी यानी रेटिंग को हासिल करने के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। सब सुशांत सिंह के नाम पर टीआरपी को लूटना चाहते हैं। आज आप सबको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि इन टीवी डिबेट्स में आपको न्यूज मिलती है या मनोरंजन मिलता है? आप इन्हें
न्यूज के लिए देखते हैं या आप इन्हें मनोरंजन के लिए देखते हैं। इन सभी डिबेट शोज की टेलीविजन रेटिंग बहुत अच्छी आती है। जिस न्यूज चैनल की जितनी टीआरपी होती है उसे उतने ही ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं और पत्रकारिता के गिद्धों को वहीं से ही तनख्वाह भी मिलती है। अब जब अर्नब का जिक्र आया है तो अर्नब के पत्रकार भी कुछ कम नहीं है। हमने स्टूडियो में इधर उधर भागते अर्नब को तो देखा ही है, उन्हीं की तरह उनके रिपोर्टर पर भी जरा नजर डालें तो वह भी किस तरह न्यूज कवर करते हैं आप देखिए। 129 आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एवेट करने का केस दर्ज होगा, मतलब जो सुसाइड आशुतोष। ये पत्रकारिता हो रही है या कोई नौटंकी, खैर ये तो समझना मुश्किल है। आज हम मीडिया की आजादी में 142वें स्थान पर आए और जैसे हालात लग रहे हैं शायद अगले साल हम और नीचे चले जाएं। न्यूज में नफरत भरी भाषा होगी, बहस मूल मुद्दों को छोड़ अन्य मुद्दों पर होगी, तो जनता में आक्रोश तो होगा ही, जो अब साफ देखने को मिल रहा है। हम यही उम्मीद करेंगे कि मीडिया खुद ही समझ जाएगा कि उन्हें सही मुद्दों को दिखाना है कि नहीं। मीडिया को जनता का भरोसा जीतना होगा और सरकार से सवाल भी करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।